News 18, India. बिहार से ये बड़ी खबर है, जहां नई सरकार की कैबिनेट की आज बैठक होगी। आज सुबह 11:30 बजे बिहार कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। खबर है कि नीतीश मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। मंत्रिमंडल के पूरे विस्तार होने के बाद ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा, लेकिन इस बीच सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। तो बिहार में शपथ ग्रहण हो चुका है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और आज ऐसे में सुबह 11:30 बजे नई सरकार यानी नई कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। हालांकि विभागों का बंटवारा अभी नहीं किया जाएगा। सीएम विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है जो भूमिहार हैं। बिहार का ये जातीय समीकरण साफ दिखाता है कि बीजेपी ने बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का पूरा ध्यान रखा है, जबकि नीतीश को पूरी उम्मीद है कि साल 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसे भी एनडीए में होने का पूरा फायदा मिलेगा। इसीलिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने किसी तरह से अपना पिंड एनडीए गठबंधन से छुड़ा लिया है। ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। हमें अफसोस है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो कोकस था, उसकी षड्यंत्रकारी भूमिका से आज हम मुक्त हुए। आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हट धर्मिता की वजह से टूट रहा है। बिहार की नई सरकार में जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है, वहां भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से हैं। बीजेपी के कोटे से मंत्री प्रेम कुमार कहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी भूमिहार समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव यादव समुदाय से हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से हैं। एचईएम कोटे से मंत्री संतोष सुमन दलित समुदाय से हैं। निर्दलीय कोटे से मंत्री सुमित सिंह राजपूत समुदाय से हैं। बिहार का विकास होगा, इसलिए बिहार जो गर्त की तरफ जा रहा था, बिहार अब विकास की तरफ बढ़ेगा। और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी और फिर से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिवारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए जीतकर उनके झोली में देगी। 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेके मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। बिहार में अकेले कुर्मी और कोयरी जाति की 8% है, इसीलिए नीतीश को बीजेपी ने दोबारा से एनडीए में शामिल करा है। इधर बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर और दूसरे मुद्दों को लेकर अति पिछड़ों के बीच अपना वोट बैंक मजबूत किया है। बीजेपी इसी को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी और नीतीश दोनों को लगता है कि अगर 2024 में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतता है तो फिर साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों को फायदा मिलेगा। बीजेपी को ये साफ अंदाजा लग चुका था कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडी गठबंधन के जरिए अगर नीतीश उस पर हमला करते हैं तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।